हेलो दोस्तों, गोल्ड टेक्निकल्स चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 24 फरवरी 2018 का पीएनबी बैंक की ओर से एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आ रहा है। अगर आपका भी पीएनबी बैंक में अकाउंट है और अगर आपके पास भी पीएनबी बैंक का डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि पीएनबी बैंक की ओर से अपने सभी कस्टमर्स का डाटा लीक कर दिया गया है। पीएनबी बैंक का सभी कस्टमर्स का डाटा लीक हो चुका है। क्या है लेटेस्ट अपडेट, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे जी न्यूज इंडिया के साइट पर, जहां पर आप देख सकते हैं पीएनबी के 10,000 क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का डाटा लीक। चेक करें कहीं आपका तो नहीं हुआ। पंजाब नेशनल बैंक के लिए बुरा दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। महाघोटाले के बीच एक और बुरी खबर है, पीएनबी के 10,000 क्रेडिट और डेबिट कार्ड का डाटा लीक हो गया है। हांगकांग के एक अखबार एशिया टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 महीने में एक वेबसाइट के जरिए यह डाटा लीक हुआ है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के मुताबिक बैंक ग्राहकों की बेहद संवेदनशील जानकारी लीक की गई है। बैंक को इसकी जानकारी 2 दिन पहले दी गई। सिंगापुर की कंपनी क्लाउड सेक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ने यह जानकारी दी है। उसका मुताबिक उन्हें डार्क वेब पर एक ऐसी वेबसाइट मिली है जो गूगल और बाकी सर्च इंजन में शामिल नहीं है। चौंकाने वाली बात यह है कि पीएनबी ग्राहकों का तमाम डाटा जहां गैर कानूनी ढंग से बेचा जा रहा है। पंजाब नेशनल बैंक को डाटा लीक की जानकारी नहीं थी। यह खबर उस वक्त आई है जब पीएनबी पहले से ही 11,400 करोड़ के लोन फ्रॉड में मामले में फंसा हुआ है। हालांकि 2 दिन पहले ही बैंकों को यह जानकारी दी गई। आपको बता दें कि हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने पीएनबी के साथ 11,400 करोड़ रुपये का फ्रॉड किया है और वह तब से देश छोड़कर फरार है। क्लाउड सेक कंपनी दुनिया भर के डाटा ट्रांजेक्शन पर नजर रखती है। इसका काम है कि जैसे ट्रांजैक्शन पर नजर रखती है जो गलत ढंग से की जा रही है। कंपनी के चीफ टेक्निकल अफसर राहुल शशि ने एशिया टाइम्स को दिया बयान के मुताबिक कंपनी का एक प्रोग्राम डार्क वेब पर नजर रखने का काम करता है। अगर डार्क वेब पर कोई ऐसा डाटा आता है जिस पर संदेह हो तो उसकी जांच की जाती है। राहुल शशि ने के मुताबिक वेबसाइट पर ग्राहकों का डाटा 2 अलग अलग तरह से जारी किया जा रहा था। इसमें कार्ड के सीवीवी और उसके बिना डाटा लीक हो रहा था। दरअसल सीवीवी और बिना सीवीवी देने का मकसद सिर्फ बेचने हैं। अगर कोई सीवीवी के साथ खरीदना चाहता है तो उस हिसाब से पैसा लिया जाता होगा। पीएनबी ने भी डाटा लीक होने की खबर को कंफर्म किया है। बैंक के चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर टीडी वीराबिन वानी ने कहा कि बैंक कस्टमर्स के डाटा लीक होने की बात सही है, हम इस पर सरकार के साथ काम कर रहे हैं। लीक होने वाले डाटा में क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड होल्डर का नाम, एक्सपायरी डेट, पिन और सीवीवी तक की बेची जा रही है। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा पीएनबी के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की डाटा लीक हो चुका है। अगर आपका भी उसमें लीक हो चुका है तो आपको सावधान हो जाइए और अपनी ट्रांजैक्शन पर चेक कर लेनी चाहिए कि आपके बैंक अकाउंट से, अपने अकाउंट से कोई गलत ट्रांजैक्शन वगैरह तो नहीं हो रही। इस साइट का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ से क्लिक कर आप सीधा इस साइट तक पहुँच सकते हैं और इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई छोटी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाएं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे इस तरह का रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखाई देगा, इसको प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे ऐसी बहुत सारी वीडियो आती रहती हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होती हैं, जिनसे आपको बहुत सारा लाभ हो सकता है। और हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इस घंटी के आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। और हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।